बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक चल रहा है लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स को अगर हम डेली लाइफ में इसके यूजेज को देखते हैं तो ये हमारी लाइफ में तकरीबन हर जगह पर यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके यूजेज की बात करते हैं तो इसको टेम्परेचर सेंसर के तौर पर यूज किया जाता है, जैसा हम थर्मामीटर में बात कर सकते हैं, ठीक है, थर्मामीटर के लिहाज से बात कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर चेंज किया जाता है किसी मार्केट के अंदर या किसी जगह पर भी, हम कह सकते हैं ये एज टेम्परेचर सेंसर यूज होगा। इसके अलावा मेडिकल के अंदर इसका बहुत बड़ा यूज है, ब्रेस्ट कैंसर की डिटेक्शन करने के लिए, आर्टरी या वेंस की ब्लॉकेज के लिए जिनको जब डिटेक्ट किया जाता है तब लिक्विड क्रिस्टल को यूज किया जाता है। डिजिटल जो हमारी लाइफ है, डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें आज की जो लाइफ हम कह सकते हैं डिजिटल वाइल्ड लाइफ है, इसमें सबसे ज्यादा जो चीज यूज हो रही है वो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल है। हम इनके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा लैब्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी जगहों पे लैब्स के अंदर एज ए सॉल्वेंट भी इनको यूज किया जाता है। हमारे पास जितना भी डिजिटल प्रोसेस में एलसीडी यूज की जाती है, एलसीडी के अंदर भी हम लिक्विड क्रिस्टल को यूज करते हैं। किस तरीके से इनमें हम बाद में डिटेल में बात करते हैं, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, जिसमें हमने माइनर बात की है, उनकी थोड़ी सी डिटेल में बात अब करने जा रहे हैं, जिनमें हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल में सबसे पहली एप्लीकेशन है टेम्परेचर सेंसर। हम लिक्विड क्रिस्टल्स को एज ए टेम्परेचर सेंसर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से है। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल्स में हमने बात की, सॉलिड क्रिस्टल्स की तरह लिक्विड क्रिस्टल्स भी लाइट को डिफ्रैक्ट कर सकते हैं, लाइट को चेंज कर सकते हैं, उनका पाथ भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक व्हाइट लाइट जब लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करती है वो क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट होती है तो वहां पर कलर्स अपीयर होते हैं, ठीक है, फ्रॉम लिक्विड क्रिस्टल इट अपीयर्स कलर। जैसे ही एक व्हाइट लाइट लिक्विड क्रिस्टल्स के साथ आकर स्ट्राइक करती है तो वो कलर शो कर देती है। फिर जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स की लेयर होती है उनके दरमियान डिस्टेंस भी चेंज होता जाता है। एज द टेम्परेचर चेंजेस द डिस्टेंस बिटवीन द लिक्विड लेयर्स आल्सो चेंज due to change in the reflected layer the color of liquid crystal also change accordingly, ठीक है। जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स के जो मॉलिक्यूल है उनके दरमियान लेयर्स होती हैं, उनका डिस्टेंस चेंज हो जाता है। जैसे ही डिस्टेंस चेंज होता है उनका कलर चेंज हो जाता है, और बेसिकली कलर चेंज हमें बता देता है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कलर चेंज की वजह से उस लिहाज से जो टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा कलर शो हो जाएगा, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल आर यूज एज टेम्परेचर सेंसर। मतलब जैसे टेम्परेचर चेंज होगा कलर चेंज हो जाएगा, हम कह देंगे कि अब टेम्परेचर चेंज हो गया। इस तरीके से हम लिक्विड क्रिस्टल्स को एज ए टेम्परेचर सेंसर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है पोटेंशियल डिटेक्शन की, ठीक है। मोस्टली क्या है, पोटेंशियल फिलर घरों में या किसी बड़ी मार्केट के अंदर बाजूकार इनसाइड जो वायरिंग होती है वो वायरिंग खराब हो जाती है, किसी वजह से पॉइंट फेलर हो जाता है, पोटेंशियल फेलर हो जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट खराब हो जाता है, तो उन चीजों को चेक करने के लिए भी लिक्विड क्रिस्टल को यूज किया जाता है, ठीक है। मोस्टली और रूम थर्मामीटर होते हैं जो घरों में नॉर्मली थर्मामीटर यूज किए जाते हैं उनके अंदर भी लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज किया जाता है। मेन कंसेप्ट वही आ जाता है कि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है किसी भी चीज का तो लिक्विड क्रिस्टल्स का कलर चेंज हो जाता है, उसी वजह से थर्मामीटर भी यूज किए जा सकते हैं। थर्मामीटर के अंदर भी हम कह सकते हैं कि ये लिक्विड क्रिस्टल यूज होते हैं, और लिक्विड क्रिस्टल को हम एज ए पोटेंशियल फेलर को चेक करने के लिए, उनको लोकेट करने के लिए भी हम एज ए पोटेंशियल डिटेक्शन करने के लिए भी क्या है, लिक्विड क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है लोकेशन ऑफ वीन्स आर्टरीज एंड इंफेक्शन। बाजूकार बॉडी के अंदर कोई वीन या आर्टरी ब्लॉक हो जाती है या बॉडी के इनसाइड इंफेक्शन से ट्यूमर क्रिएट हो जाता है, उनकी डिटेक्शन करने के लिए, उनको लोकेट करने के लिए, उनकी मौजूदगी का पता चलाने के लिए कि वो कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है बॉडी के इनसाइड, तो हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, लिक्विड क्रिस्टल यूज करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल कैन बी यूज्ड टू लोकेट द वीन्स आर्टरीज ट्यूमर्स एंड द अदर अफेक्टेड पार्ट लाइक कैंसर बिकॉज दीज पार्ट्स आर वार्मर देन द अदर पार्ट्स। जहां पे कोई इंफेक्शन होती है, जहां पर कोई ट्यूमर होता है या आर्टरी या वेन ब्लॉक होती है, वो उतने हिस्से का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा होता है।
जैसे ही हम क्या करते हैं उस हिस्से पे बॉडी पे क्या करते हैं लिक्विड क्रिस्टल को पेंट कर देते हैं, उसके ऊपर जो है हम उसको पेंट करते हैं, तो बाकी हिस्सा बाकी लिक्विड क्रिस्टल का टेम्परेचर चेंज नहीं होता या उसका कलर चेंज नहीं होता। जहां पर वो इन्फेक्शन होती है उस हिस्से का टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वो हमारे पास कलर शो कर देता है। जिस जगह पर इन्फेक्शन होगी जहां पे प्रॉब्लम होगी वो इतना हिस्सा कलर चेंज कर लेता है जबकि बाकी हिस्सा नॉर्मल ही रहता है। स्पेशलिस्ट कैन यूज द टेक्निक ऑफ स्किन थर्मोग्राफी टू डिटेक्ट द ब्लॉकेज इन वेन्स एंड आर्टरीज। व्हेन अ लेयर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इज पेंटेड ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट द ट्यूमर शोज अप ए हॉट एरिया व्हिच इज कलर्ड ब्लू। अगर बॉडी में ट्यूमर मौजूद है, ब्रेस्ट कैंसर है या कोई और कैंसर है जिसमें ट्यूमर शो हो रहे हैं, तो उसको चेक करने के लिए, उसकी लोकेशन को चेक करने के लिए लिक्विड क्रिस्टल को पेंट किया जाता है बॉडी के ऊपर। जहां पर वो ट्यूमर होता है वो हिस्सा जो है वो ब्लू शो हो जाता है, बाकी एज इट सेम टू सेम रहता है, उसका कलर चेंज नहीं होता। अब उतना हिस्सा ब्लू क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं लिक्विड क्रिस्टल कलर शो करते हैं जब टेम्परेचर चेंज होता है। दिस टेक्निक हैज बीन सक्सेसफुल इन द इजीली डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की डिटेक्शन करने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए भी ये टेक्निक यूज की जाती है। हमारे पास फोर्थ एप्लीकेशन है इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। मोस्टली आजकल जो है, आज का जो दौर है वो डिजिटल दौर है, हर एक चीज के अंदर जो है वो LCDs यूज हो रही है या वॉचेस यूज हो रही है, डिजिटल प्रोसेस है सारा। तो उसमें हम क्या सकते हैं, लिक्विड क्रिस्टल आर यूज इन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर्स एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। मोस्टली इन तमाम चीजों के अंदर जो डिस्प्ले करने के लिए जो चीज यूज की जा रही है, जो डिजिट शो करने के लिए हम चीज मटेरियल यूज करते हैं, वो क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल हमारे पास होता है। दीज डिवाइसेस ऑपरेट ड्यू टू द फैक्ट दैट टेंपरेचर, प्रेशर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इजीली अफेक्ट द वीक बॉन्ड्स व्हिच होल्ड द मॉलिक्यूल टुगेदर इन लिक्विड क्रिस्टल। तो जब हम इन तमाम डिवाइसेस के अंदर लिक्विड क्रिस्टल को यूज कर रहे होते हैं, तो फिर हम उनके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, हम उसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे देते हैं या टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जो लिक्विड क्रिस्टल के दरमियान वीक बॉन्ड्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। जैसे वीक बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएंगे तो वो अपने आप को कलर शो कर देंगे या अपने आप को शो कर देते हैं, जिस इस वजह से हम लिक्विड क्रिस्टल को डिस्प्ले डिवाइसेस में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्वेंट इन क्रोमैटोग्राफी। बहुत सारे लिक्विड क्रिस्टल ऐसे हैं जिनको हम क्रोमैटोग्राफी सेपरेशन तकनीक है हमारे पास, जिसमें हमारे पास HPLC आ जाता है, आयन क्रोमैटोग्राफी है, लिक्विड क्रोमैटोग्राफी है, बहुत सारी एप्लीकेशन हमारे पास टाइप्स होती है क्रोमैटोग्राफी की, उनके अंदर हम एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स को। लास्ट में हमारे पास आ जाता है ऑसिलोग्राफ एंड टीवी डिस्प्ले। ठीक है, आजकल हमारे जो नॉर्मली हर घर के अंदर LCD मौजूद है, LCD जो चीज है वो क्या, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है हमारे पास। मतलब जो घरों में टीवी वगैरह मौजूद है, टीवी जो पुराने वक्तों में है तो उसमें ऑसिलोग्राफ यूज होता है जिसमें लिक्विड क्रिस्टल यूज किया जाता था, लेकिन आजकल जो LCDs यूज होती है टीवी के तौर पर, उसमें LCD का मतलब ही क्या बनता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो उसमें भी हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल यूज हो रहे हैं उनमें डिस्प्ले लाने के लिए।